आज के 9 दिसंबर की शुभ वरदान में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य केवल पवित्रता नहीं है, लेकिन पवित्रता हमारे संकल्पों तक, बुद्धि तक और आत्मा की शुद्धि तक सीमित है, जो कि अनंत हो गई, क्योंकि आत्मा का कोई अंत ही नहीं है। और अगर हम सिर्फ बाहर की फिजिकल पवित्रता की बात करें तो हम अपने आप को साफ तो करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो सिर्फ शरीर की पवित्रता हुई, अंदर भीतर की पवित्रता जो है वो डिसाइड करेगी कि आपका मन कितना स्टेबल रहता है, आप कितने स्वच्छ रहते हो और आप परमात्मा के मन में कभी आते हो कि नहीं, और परमात्मा आपको अपना ज्ञान या अपनी शक्तियाँ देने के लायक समझते हैं कि नहीं। तो कंडीशंस अप्लाई हैं यहाँ पर भी, लेकिन हम उन कंडीशंस पर कितने चलते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और हर दिन की ब्लेसिंग्स हमें ये तो सिखाती हैं कि हम कैसे अपने आप को स्वच्छ करें ताकि हम परमात्मा के निकट आ पाए, उनके दिल पर चढ़ पाए। तो देखिए आज परमात्मा पवित्रता के बारे में कहते क्या है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोचा, वाचा से बोला और कर्म जो किए हमने इस शरीर के द्वारा, और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा। आप किसी के संबंध में आते हो, संपर्क में आते हो, तो उसमें अगर आपकी पवित्रता धारण करी है द्वारा परम पूज्य आत्मा भवा, तो आप परम पूज्य हैं। परमात्मा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति, मनसा मतलब थॉट्स में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। इमेजिन करिए उस लेवल की प्योरिटी। कोई कुछ भी कर दे, कोई आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ना दे, कोई आपको अगर हानि कर दे फिजिकल, कोई अगर आपको किसी रिलेशनशिप में दुख दे, लेकिन आपका उस व्यक्ति, उस आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प ना निकले, आपका काम आगे बढ़ने ना दे, आपका डिले कर दे काम, लेकिन आपने अगर फिर से नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दिया, इसका मतलब आपका कार्मिक अकाउंट का जो साइकिल है वो अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। आपको एक चांस मिला था कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया, आपको चांस मिला था कि आप उसी समय उस व्यक्ति के साथ में एक नया कार्मिक खाता खोले, लेकिन आपने अगर पुराने कार्मिक खाते के अनुसार कर्म कर दिया, आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दिया, तो आपका कार्मिक अकाउंट अभी खत्म नहीं हुआ, आपके अंदर बोझा जो है वो एक्चुअली और बढ़ गया है। तो क्यों डिप्रेशन नहीं होगा, क्यों एंग्जाइटी नहीं होगी, क्यों चिंताएं नहीं बढ़ेंगी? इसी कारण से जब हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल नहीं करते जाते हैं तो हमारे अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, भारीपन बढ़ता जाता है। इसका मतलब हम कोई और नेगेटिव कार्य कर बैठते हैं जब हमें फेस करना पड़ता है उस व्यक्ति को। फिर प्रबंधक कहते हैं नेगेटिव संकल्प नहीं हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले जो कि नेगेटिव हो किसी के प्रति। किसी को सुना दिया, उसको डायरेक्ट नहीं सुनाया, लेकिन आपने किसी और को उनके प्रति सुना दिया। संबंध संपर्क में भी सबसे अच्छा हो, संपर्क संबंध भी जो है हमारा संबंध है और संपर्क में हम आते हैं वो भी हमारा कैसा हो, सबके साथ में अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडन ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। इमेजिन करिए परमात्मा की पूज्य आत्मा, परमात्मा हमें चाहते हैं कि हम पूज्य जैसे बने, पवित्र बने, ताकि हमारा किसी से घृणा ना हो, नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो, कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो, तब जाके आप पूज्य आत्मा बनोगे। पूज्य बनना कोई बड़ी बात है कि नहीं, वो आप तब समझ पाएंगे जब आप हर सेकंड परमात्मा की बात को मान करके जैसे जैसे मन से हल्के होते जाएंगे तब आप उसकी वैल्यू करना शुरू करेंगे कि हाँ पूज्य बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन हल्का हो रहा है, बुद्धि हल्की हो रही है और टेंशंस और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी चीजें जैसी, चिंता जैसी चीजें कम होती जा रही हैं। यही वरदान अगर आप फॉलो कर ले तो आपकी चिंताएं बहुत कम हो जाएंगी, भारीपन बहुत कम हो जाएगा लाइफ में, और मन आपका एकाग्र स्थिरियम हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा, कम चलना शुरू करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं जो पवित्रता के फाउंडेशन को, तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा यहां पर मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूं। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। तो आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, तो ये शरीर भी आपके लिए मंदिर हो गया। आप इस कान के द्वार के द्वारा, इस आंख के द्वार के द्वारा कोई भी नेगेटिव चीज
अपने आत्मा मतलब मन बुद्धि में प्रवेश करने नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी मंदिर में कुछ कूड़ा कचरा करकट आप नहीं भेजते हैं या फेंकते हैं, उसी तरीके से आप इस मन रूपी मंदिर में इतनी रिस्पेक्ट देनी है अपने मन को, आप उसमें फेंक नहीं सकते, नहीं तो फिर परमात्मा की वहां पर प्रकाश कहें या वहां पर प्रेजेंस कहें वो कम हो जाएगी। और परमात्मा चाहते हैं कि हम उनको अपने मन में बिठा लें ताकि हम स्वच्छ बन जाए, ताकि हमारा खुद का मन ही स्थिर हो जाए। तो ये होता कैसे, इसके लिए आप और डिटेल्स में आके ब्रह्मा कुमारी को सीख सकते हैं और वहाँ पे जाकर के सेंटर्स पे 7 डे का कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करें और साथ साथ अच्छी अच्छी बातें सीखें ताकि आपका मन स्थिर होता जाए। इसी के साथ ओम शांति।